ये जौ वाली जो गंदम होती है जानवरों को नुकसान नहीं देती, ये इसमें बीच में जौ नजर आ रहे हैं। कौन सा कौन सा कुछ मुझे नहीं मैं कर। दोनों जानवर मुझे मार रहे हैं मामू। एक को यहाँ पर बांध दिया है और एक को ना उस दरख्त के साये में बांध दिया। फिलहाल नहीं कुछ कहती, मामी भी बना लेती है, मामी भी बेस्ट बनाती है। सबको जवाब जो है ना मिल गया होगा मेरी सिस्टर से। देखो अभी जो है ना सिस्टर भी मेरे पास अभी बैठी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। अभी दोपहर का टाइम हो गया है तो बड़ी सिस्टर ने बनाए थे चावल फिदा जान की फरमाइश पे, क्योंकि फिदा जान ने बोला आज मैंने जो है ना चावल खाना है तो बड़ी सिस्टर मुझे बना दे। तो बस ये है कि मैं अपना ब्लॉगिंग में मसरूफ थी तो बड़ी सिस्टर के हाथ के भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आज जो है ना फिदा जान के क्या कहते हैं इत्तफाक से जो है ना उनका दिल आ गया है कि दोपहर को मैंने चावल खाना है। तो सिस्टर ने बनाया चावल तो सब जो है ना बड़े मज़े से खा रहे हैं। अभी फिदा जान भी यहीं पर बैठा हुआ था, खा रहा था महक के साथ, और मैं जो हूँ ना बस चावलों को देखती जा रही हूँ। मैंने नहीं खाने, अब मेरे आंखें भी बंद है, मेरे मुंह भी बंद है, मेरे कान भी बंद है, मैंने नहीं खाने बिल्कुल। ये चावल खाने मामी बहुत जबरदस्त बने हुए हैं। मैं से पूछा कैसे बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं, इतने टेस्टी इतने टेस्टी। दिल कर रहे खाने का? दिल किसका नहीं करता खाने का, सबका दिल करता। चले थोड़े खा लें, कौन सा फिर नहीं देखी जाएगी। ये आपका ही डायलॉग है ना, जान है तो जान है फिर क्या करें। हाँ तो ये भी देखना ही पड़ता ना, जब मर जाए कोई जिंदगी का पता थोड़ी होता है कि बस वो बस डाइटिंग 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 में चले जाओ। हाँ तो फिर बैठे खा ले। तो ये होता है ना कि कभी कभी, लेकिन मैंने डाइटिंग जो है ना अभी तो शुरू की है, तो आप जैसे आप सब अभी से शुरू कर लेना, ये खा के बाद में नियत कर लेना। नहीं 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 खानी मैंने, बिल्कुल भी नहीं खाना। मैक से पूछो, मैक मैंने एक दाना भी उठाया है? नहीं उठाया, मैंने बुलाया, अब्बू ने भी बुलाया, लेकिन अम्मी ने बोला नहीं मैं डाइटिंग। चलो थोड़े से चेक तो ना कर सकते हैं डाइट में ना, देखो क्या कुछ करना है कि अगर आपने जल्दी स्मार्ट होना है, आपने रोटी नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, चावल नहीं खाने, जो तीनों चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, इनके बगैर नहीं रह सकते। रोटी खानी है, मीठा नहीं खाना, चावल नहीं खाना। नहीं, सबसे ज्यादा रोटी से मैं मोटा होता है, क्योंकि रोटी जो है ना बहुत ज्यादा ताकतवर। एक टाइम है, एक टाइम की खाओ, एक टाइम की भी खाओ, लेकिन दो लुक में खाओ, दो जैसे कि आधी से भी थोड़ी जो रोटी का चौथा हिस्सा होता है ना वो खाओ। लेकिन यह है कि हम खाएंगे इंशाल्लाह वो दाल खाएंगे पानी वाली, जिसमें सैलेड वगैरह सब कुछ डालेंगे, लोबिया खाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें खाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि मैं ये सोच रही हूँ कि एक हफ्ता ना इनको साइड पे रख के जैसे देखते हैं कि कितना वजन लूज होता है। 90 किलो जो है हमारा वजन। थोड़ा भागा दौड़ी भी किया करें तो वजन कम हो जाएगा। दो टाइम भागा दौड़ी, एक 5 बजे एक सुबह। असल में ना मैंने फोन में भी देखा है कि ना कैसे वो कहते हैं एक्सरसाइज, वो भी आधे घंटे का है, आधे घंटे से ज्यादा। तो इंशाल्लाह फिदा जान का फोन लगा के रखूंगी तो फिर जो है ना वो भी ट्राई करते हैं। हाँ वो भी इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे। चले तो अभी जल्दी से जाते हैं बाहर, क्योंकि बाहर भी जो है ना मामू गए हुए हैं वो लेने के लिए। अभी चावल खाते ही ना चले गए बछड़ा लेने के लिए, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। वो जो ही आते हैं तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। बकरे तो आ गए हैं, बकरे भी आप लोगों को दिखाएंगे। हम चाह रहे थे कि एक ही वीडियो में सारा कुछ दिखाएं, ताकि आप भी देख के खुश हों। आपके नाम के आपने इतनी दूर से अपनी कुर्बानी के जानवर जो सिलेक्ट किए, हमने सिलेक्ट हमने किए हैं, भेजे आपने। कैसे उनको प्यार की तरह रखते हैं, उनकी कैसे खिदमत करते हैं, वो आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करेंगे। और आपको पता है जो बकरा ईद के जो जानवर होते हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल करें, दिल से ख्याल करें, उतना ही स्वाद मिलता है कि हाँ बस इनको ये ख्याल में लगाना, प्यार करें उनको। वो ये है कि वो जानवर भी जो शख्स एक ही बंदा जो डालता है ना चारा वगैरह पानी वगैरह डालता है, उसके साथ उनको भी मोहब्बत हो जाती है। तो ये है कि जब पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी उससे भी पिछले साल जब जानवर कुर्बान करने लगते थे ना तो रोने लग जाते थे हमारे घर वाले ना, आधे कहते कि नहीं वैसे चुप करके खड़े रहेंगे, जैसे सुबह उठूंगी तो फिर वाह 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 शुरू हो जाते, क्योंकि उनको पता है कि अब जो है ना हमारे शहनाज आएगी, हमको खाना डालेगी। तो अभी जल्दी से हम जाते हैं बाहर, क्योंकि वो बकरे खड़े हुए हैं तो उनको भी जाके अभी चारा वगैरह हमने डाला है, कुछ अभी फिर डालेंगे तो उनका भी जाके ख्याल करते हैं, पानी वगैरह पिलाए, फिर जाके देखते हैं ना कि पानी पीते हैं कि नहीं पीते। हम बकरों को जो है ना सुबह से 2-3 बार चारा भी खिलाया है इनको, वो जो वंडा होता है, जो चौकर होता है गंदम का बनवा के लिए, वो भी खिलाया है। चौकर वो चावलों की छलोड़ी होती है ना? हाँ, उसको चनों की छलोड़ी होती है, चावलों की, गंदम की, तीन चार चीजों की होती है, चार चीजों की होती है, इसलिए चौकर बोलते हैं। तो अम्मा जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह सब जो बकरे खड़े हैं ना इनका माशाल्लाह से बहुत ज्यादा अम्मा ख्याल कर रही है, क्योंकि सारा दिन अम्मा नानी अम्मा यहीं पे बैठी हुई है। हाँ क्या करूँ,
करना। अच्छी बात, स्वभाव होता है ना, तो ये भी मजे से खा रहे हैं। इधर आगे कर देते हैं, खाता रहे वो तो उसके अंदर ही बैठ गया है। इसके देखो ये शहंशाहों की तरह ऊपर बैठ के, तो ऊपर ही बैठ के ही खा रहे हैं। तो वो भी माशाल्लाह से पेट भर के खा के वो अभी जो है ना अपना चावल कर रहे हैं। फिर जब ये खाते रहते हैं, फिर जब ये बस कर देते हैं, फिर ये उगल उगल के आते हैं ना, तो फिर ये अपना खाना हजम करते रहते हैं। चले साथ साथ मुर्गियों के भी ऐश हो रहे हैं। नीचे पानी लगा के ना हमने यहाँ इनको बिठाया हुआ ताकि ठंडी जगह बनी रहे। और दरख्त की छांव जो होती है ना वैसे भी ठंडी होती है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह जो और हमारे जानवर आएंगे वो भी हम जो है ना उनको भी मैनेज करेंगे, लेकिन इसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि वो लगा तंबू। हाँ। ताकि और साया ज्यादा बढ़ जाए, साया बढ़ जाए और क्या दन घाटी 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 छाती हो। उस साइड पे लगे हुए मिस्त्री फिलहाल हमने कनात वगैरह लगा दिए, क्योंकि खवातीन वगैरह जो है ना यहाँ पे कपड़े वगैरह धो रही थी, तो जरा पर्दे का इंतजाम भी होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही होगी दो जगह पे गंदम हमने जो है ना खुश करने के लिए रखी हुई है, दो तोड़े। यह सिर्फ जानवरों के लिए लेके आए, इसमें आप लोगों को जौ नजर आ रहे होंगे। ये जौ वाली जो गंदम होती है जानवरों को नुकसान नहीं देती, ये इसमें बीच में जौ नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल ठंडे होती, ये ठंडी होती है बिल्कुल। अगर अकेली गंदम हम मिक्स गंदम ना डालें, अकेली गंदम डालें, तो ये होगा कि इनके पेट में दर्द हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि इनके लिए ना कोई मसला बन जाएगा। अब हम इसको चक्की के ऊपर जाके पिसवाएंगे, ये बन जाएगा दलिया। दलिया तो अंदर हमने जो है ना बकरों के लिए खल वगैरह चोकर वगैरह वो भी जो है ना भिगो के रखा हुआ है, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को जो हम इनको खिलाने वाले। ये दिखाएं, ये देखें जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला ना, ये चोकर है, ये नीचे दलिया। हाँ यही चोकर है ना। हाँ ये है खल, खल खल और चोकर जो है ना इसको मिक्स करके ना अच्छे से भिगो के रखा हुआ है। दलिया भी ले, ये बड़े जानवरों को भी डालेंगे, छोटे जानवरों को भी डालेंगे, ताकि वो दो तीन तरह के खाने खाएं और ईद तक जो है ना माशाल्लाह से मोटे मोटे रहे। हाँ जानवर मामू लेकर आ गए थे, मामू जो है ना पहले बाइक पे आ गए थे, तो जानवर भी पीछे आ गए। इस जगह पे लगवाते हैं, मट्टी पड़ी हुई है तो जानवर जो है ना वो इजीली उतर जाएंगे, ज्यादा मसला नहीं बनेगा। थोड़ा सा पीछे। हाँ आप सीधा आने दो, सीधा थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर। बस ठीक है, ठीक है, ओके। पैल को जो है उतार लिया गया, अब उसको उतारना है। मारना नहीं ब्रदर, मारना नहीं, मैं कैमरा मैन हूँ यार, मेरी तरफ आता जा रहा है तू। ख्याल से बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, दोनों जानवर जो हैं वो उतार लिए गए हैं। सुकून से मुझे नहीं, मैं दोनों जानवर मुझे मार रहे हैं मामू, इनको बता के तो नहीं आए थे। मामी जी जानवर आ गए, आ जाएं। तैबा किधर गई है जो गाय गाय कर रही है? मेरी ना बेटी रहती है, बैल बैल कर रही है। मामू से पूछ रही थी पहले मेरे घर आएंगे, उसको भी लेके आए, उसको भी दिखाते हैं। लेके आती हूँ, आ जाए जल्दी। क्या आ गई हैं, देखो तो सही आके। हाँ उधर देखो, आओ तुझे दिखाऊं, भाग के आओ। अभी से रोने लग गई है इनको देख के। एक को यहाँ पर बांध दिया है और एक को ना उस दरख्त के साये में बांध दिया फिलहाल। तेकू कुछ भी नहीं मारते, मारने लगे ना किसको मारेंगे? क्या पानी गांव को पानी पिला, बछड़े को पानी पिलाएं। ठीक है, कितू है ये? ये मैं वहाँ से लेके आया हूँ, किसी के घर से लेके आया हूँ। हाँ घर से लेके आए, ये मेरे घर से लेके आए हैं, उधर से है? उधर से लेके आए। सुनी है हाँ ये बैल। अच्छा हाँ मैं कहना खूबसूरत है। हाँ अच्छा खूबसूरत है। अच्छा अच्छे पीसी लेने में। लेने में।
इसको पानी पिलाओगी? मेरा अबू पिलाएगी। मामी ठीक है? मामी पानी दे दो। ठीक है ना? एक ये खड़ा है, एक उधर खड़ा है। अभी पहुंचे को नल चेक करने के लिए, और ये नल आया जी कनाडा से, हमारी एक सिस्टर ने भेजा है अपने अब्बू के इसाले साहब के लिए, ब्रायन इसाले साहब अब्दुल मजीद मरहूम के नाम का। और अल्हम्दुलिल्लाह जी नल का फर्श वगैरह भी बन चुका है और नल वगैरह भी लग चुका है, और ये नल इस अम्मा जी को लगवा के देने का उन्होंने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह जी इनको लगवा के दे दिया। अम्मा जी खुश है ना, आपका नल लग चुका है? चलें जी, अल्लाह पाक आपको मजीद इसी तरह खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। तो अब्दुल मजीद मरहूम के लिए हाथ उठा के ढेर सारी दुआ कर दें कि अल्लाह पाक मरहूम की मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक मरहूम की बख्शिश फरमाए, अल्लाह पाक मरहूम के जन्नत फिरदौस में दराजात बुलंद करें, और इस नल का पूरा पूरा सवाब अता करें, उनके लिए ढेर सारी दुआ कर दें जी। अल्लाह आमीन आमीन, अल्लाह आमीन आमीन, अल्लाह अमीन। अल्लाह अमीन आमीन, अल्लाह अमीन। अम्मा जी अब्दुल मजीद मरहूम के लिए बाद में भी ढेर सारी दुआ करते रहिएगा, ठीक है? जी जी दुआ करें, समय लगता है। ठीक है जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बेहतरीन पानी दे रहे। चले अम्मा जी खुश है ना आप? चलें जी, जज़ाकअल्लाह, उनके लिए ढेर सारी दुआ करते रहिएगा, ठीक है? नल की वीडियो बना के आ चुका हूँ वापस, अम्मा जी का आज जो है ना नल लग गया है, जो कि कनाडा की सिस्टर की तरफ से आया था। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर खैर वाफियत घर भी पहुँच गया हूँ। मामी को इसने लेके गया था क्योंकि मामी बना रही थी सालन, तो मामी को कहा मैंने कि आप घर रुकें, तो मैं जो है ना वीडियो बना के आता हूँ नल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सालन बना रही हैं आज मामी। किस चीज़ का? तुरैया, तुरैयों का। चलें जी माशाल्लाह, बकरों को अभी ना पानी वगैरह पिलाया है और इनको खाना खिलाया, तो अभी खिला रहे हैं। मामी फिलहाल डर रही है, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, आप बेफिक्र होके डालें। इनको खिला दिया, इनको खिला दिया, खिला दिया, हाँ इन सबको खिला दिया। अभी ना पहले मैं इनको बांध देती हूँ, ये काम कर रहा है। हाँ इसको खोल के ना, ये किला लगाया है इसका, यहाँ पे बांधना है। एक लगाया टूट गया, फिर दूसरा लगाया, उनके अलग अलग ऐसे किले बनाए हैं हमने वो लकड़ी के, और इनके साथ बांधेंगे इनको यहाँ पर। गाय आ रही है, गाय आ रही है इधर। नहीं कुछ कहती मामी, वो खाना खाने के लिए आ रही है। इधर लेके आए ना, इधर लेके आए, मैं करता हूँ, इधर ले आई ना, इधर ले आए। आपको कुछ नहीं कहती, वो खाने के लिए आ रही है। इसके ले जाओ। एक गाय नहीं है, आप गाय बोलते हो, तब अभी बैल हैं। बैल। ये बैल कुछ नहीं कहते, सिर्फ ना ये खाने के लिए आ रहे हैं। वो उसके आगे आपने खाना नहीं डाला ना, इसलिए आ रहा है। बैल मारेगी मुझे? नहीं मारेगी, आप आ जाएं आगे। इसको सकून नहीं है, अब इसको मैं वहाँ पे बांधू पर एक लकड़ी और जो है नहीं, वो भी हो जाएगी, आप इधर आ जाएं। सही है, आप डाल दीजिए, मैं इनके आगे हाथ मारता हूँ। ये साथ में सब सब्जा भी ऐड किया है, भूसा भी ऐड किया है, और साथ में ये ऐड कर रहे हैं ताकि ये सारा खाना जो है ना शौक से रज के खा लें। उधर उधर इधर इधर, एक मिनट एक मिनट, मुझे यहाँ पे हल करने दो। ये देखा कुछ कहा इन्होंने, वो एक बंदा जो है ना वो लेके जा रहा था, तो बस वो रस्सी जो छोटी वो बेचारे इतने उसने कल्टी खाई है बहुत ज्यादा, इसलिए कुछ भी नहीं होता, जानवर ना मानूस हो जाते हैं। आप खाना डाल रही हैं, ये मतलब आपके साथ मानूस हो जाएंगे, ये फिर मतलब आपको ना मारेंगे ना कोई चीज भी हो, उसको खाना खिला दो ना, तो बहुत तो मतलब बंदे के साथ वो दिलचस्पी रखने लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बकरों ने रज के खाना खा लिया, हमारे बैल भी जो है ना वो भी रज के खाना खा ले। क्या चीज मामी? बैल। हाँ बैल, बैल बैल तो होती है ना, वो बल को कहते हैं जो यानी सब्जी वगैरह की इंतजार कर रही है, और माशाल्लाह से इनकी आंखें मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तो अभी जो है ना हम यहाँ से हटते हैं, ये मारना नहीं, खाना सबको डाल दिया, और इनको सबसे पहले मैंने खिलाया है
है। जानवरों की आदत होती है लकड़ियाँ या दरख्त छीलने की ना, दरख्त की। हाँ, लेकिन फंस जाएगी ना। हाँ बिल्कुल। और ये जो हमारे ना मुर्गियाँ मुर्गे जितने हैं वो देखो, बच्चे हैं, चूजे वगैरह, यहाँ पे उनकी सेटिंग हमने कर दी। पकवान भाई की देखे पकवान भाई की, क्योंकि इस ये सीजन नहीं होता कोई खैरात वगैरह का, तो वो अपनी देखे उन्होंने यहीं पर रखी हुई हैं। जब आता है तो फिर इसको अच्छी तरह से धो के फिर बना के फिर ये जो देखे यहीं पर पड़ी रहती हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर जरूरत हो, हाँ अगर जरूरत होती है, क्योंकि ना शादियों का सीजन है ये और ना ही कोई खैरात वगैरह का सीजन, मतलब अगर उसे जरूरत होती है तो कभी कभार वो ले भी जाता है। हमारे बहन भाई अगर कुछ खैरात के लिए कह देते तो हम बिल्कुल वेलकम। हम तो अपने बहन भाइयों के लिए मतलब ये भी है, बहुत बड़ा सदका जारी है कि हम थक के नहीं जाते ना, ये तो अल्लाह का काम है, जारी बात है, हम तो खुशी खुशी करते हैं। अभी यहाँ पे जो है ना कुकड़ियों के घर जो है ना हमने सेट कर दिए, वहाँ पहले सेटिंग थी, लेकिन अभी जो है ना मेरी प्यारी प्यारी सी बैल और ये जो बकरे हैं माशाल्लाह से, उनके हमने सेटिंग कर दी है और यहाँ पे आगे मुर्गों की सेटिंग। अब मैं जाती हूँ हाथ धोती हूँ, और सबसे पहले जो है ना हाथ धो के फिर से ये भूसा जो है ना वो सब मिक्स कर देती हूँ, चोकर और वो क्या कहते हैं खल और वो जो नहीं होती चने की छलूड़ी, वो सब मिक्स करके रख देंगे। भूसा मंगवा लिया, फिर सब घास घास के बीच में ना मिक्स करके फिर देंगे, सात खाने मिक्स करते हैं। बिल्कुल। चले अच्छा, आप अपना घर का काम कर लें, बाकी का जो बचा हुआ है आप वो कर लें, हम जो है ना फिर किले वगैरह कर लेते हैं, इनको मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे बांधना है इनको फिर सेफली कर लेते हैं, दिन दिन खड़े ना इनको मतलब किले वगैरह इनके मार लेते हैं, एक दो रहता है ना वो भी मार लेते हैं, ठीक है। चलो सही है। भाई और मैं मिल के। हाँ मामी, हो गया काम आपका फाइनल? अल्हम्दुलिल्लाह सालन बन गया, रेडी हो गया, उधर दिखा देते फाइनल हमारी त्रैया के। चले मेरा काम भी फाइनल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मगरिब की अजानें होने वाली है। बड़ी खाला भी ने भी तैयार कर लिया। आपने क्या बनाया? आपने क्या बनाया? आपने क्या बनाया? बोले आप बताओ। तुरैया। बस मुझे पहले ही पता था। ये YouTube फैमिली भी हमारी कहती है कि आप दोनों ना एक जैसा खाना क्यों बनाते हो, इसका रीजन आप आज बताओ, आप एक जैसा क्यों खाना बनाते हो कि ये हमारे घर से नहीं लाना पड़े। मुझे भाई आपको सच बताओ, मुझे पता नहीं था जब भाभी ने तुरैया मंगाई है क्या चीज़, या हम नकल करते। अच्छा ये बताओ, हम नकल करते हैं आपकी या आप हमारी नकल करते हैं? मुझे नहीं, 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 बिल्कुल पता था, मगर बोले मैंने तो ऐसे ही बस भेज दिया, मैंने कहा जाके सौदे ले आओ। अच्छा पता है, अच्छा जब मैं बाहर निकली हूँ ना पता कंफ्यूज मैं क्या हुई, मैंने समझा बड़ी सिस्टर जो है ना अम्मा के साथ सब्जी बनवा रही है, तो मैं मजे के साथ ना दूसरी चरपाई के ऊपर बैठ गई, मैंने कहा चलो लाडो सिस्टर की बहू भी बना रही है, अम्मा भी बना रही है, सिस्टर भी बना रही है, तो सब तीन चार मिल के ना सब मिलजुल के बना रही है, चलो मैंने कहा मैं बैठ जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे अम्मा ये बताओ, अम्मा सिस्टर हमारे तो नहीं चीज रही, कह रहे नहीं वो अपने मसाला बना के बैठी हुई है। मैंने कहा अच्छा, वो मैंने प्याज देखे ना तब मुझे जाके पता चला कि प्याज यहाँ पे कम होती है ना, तो भाभी लोगों की तो माशाल्लाह ज्यादा फैमिली होती है, तो मैंने प्याज से ना अंदाजा लगाया, मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा सिस्टर और भी प्याज काटो। अम्मा के लाडो खाले लोग किधर गए? लाडो सिस्टर लोग ना वहीं पे बैठे हैं जानवरों के पास। लाडो खाला लोग भी फैमिली तौर पर आ गए, छोटी खाला भी आ गई, बड़ी खाला भी यहीं पे है। गिफ्ट नहीं मिलने वाला, पता क्या है, एक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे बहन भाई जो है ना, क्योंकि उनकी कंफ्यूजन मैंने पहले एक वीडियो में मतलब उनको बताया है, लेकिन अब आपसे पूछना था कि आपको मामी ने मना करती है, आपको इजाजत नहीं देती खाना यानी कि बांटने की? हाँ खाना बांटने की, यानी कि जब शाम को खाना देते हैं आपको आपको इजाजत, वो कहते हैं कि किसी दूसरे को इजाजत नहीं देती मतलब कि खाना देने की। ये इंसान बड़ा एक को बनाते, सब तो बड़े नहीं बन जाते ना, ये तो सोचो। नहीं बड़े के अलावा भी मतलब एक बात है। नहीं वैसे अच्छा कोई भी नहीं पहनता प्लेट में, हमें खाके सब भाभी को कहती है, भले इसको बुखार भी हो फिर भी कहते खाना दे दो ना दे बना दे, प्यारी सी फैमिली है क्यों नजर लगाते हो ऐसे काम कमेंट करते रहते हो ऐसे वाले। नहीं नहीं वो भी एक कंफ्यूज थे ना, उन्होंने एक चीज देखा, देखे ना उन्होंने एक चीज देखी तो हमसे शेयर की कि आप लोग ये बताएं कि जो बाकी के लोग हैं उनको खाना
बांटने की इजाजत नहीं है, तो उनके कंफ्यूजन थी वो हमने दूर कर दी। बाकी वो भी गलत नहीं सोचते, भाभी बना के दे देते भाभी उसके थोड़ा। ये पता क्या है, मुझे 105 के ऊपर भी बुखार होना तो ये कहेंगी खाना दे दो। हाँ तो यही बात है ना, यही बात है ना, हमने कभी शेयर नहीं की तो YouTube फैमिली के जहन में तो आना था ना ये बात। मैं तो खुद कभी भी ना निकाल के खाऊ खाना जब तक ये मुझे नहीं देते। कभी भाभी बोलते हैं कि खुद दो, कभी भाभी बोलती है आज बड़ी सी सरगात की ये चीज खानी है, तो वो मुझे बोलती है आज मैं तभी बर्तन में डाल के दूं कि खुद डाल के दो बड़ी खाला की उम्र गुजर गई है, उम्र गुजर गई है यानी कि कोठियों पे काम करती रही हैं। हाँ कोठियों पे काम करती रही हैं, तो वहाँ पर ये खाने बनाने में ना शेफ थी यानी कि ये बड़ी उनकी किचन में ना ये शेफ के तौर पर काम करती रही यानी कि सिर्फ खाना बनाती थी किचन में। तो खाने का जो मतलब इनके जैसा जना खाना कोई नहीं बना सकता। उसके दूसरे नंबर पे मामी, हाँ और ये जो है ना बिल्कुल खाना बनाने में हमारे सबसे बेस्ट जो है ना बड़ी खाला है, ये अलग अलग तरीके के खाने बनाती हैं। मामी भी बना लेती हैं, मामी भी बना लेती हैं, मामी भी बेस्ट बनाती हैं। अच्छा आप कोठियों में क्या काम करती रही? सिर्फ चपाती आपके हाथ की अच्छी बनती है। अच्छा और स्त्री बर्तन कपड़े बस ये बर्तन भी नहीं, बर्तन इस्त्री ज्यादा कर दी थी। सफाई वगैरह और कपड़े वगैरह यानी क्लीनिंग वगैरह भी नहीं। अच्छा। खाली स्त्री और रोटी। अच्छा रोटी। यानी कि एक घर में कितने शेफ होते, कितने काम करने वाले होते थे? अच्छा एक आप कितने घरों में काम करती थी? एक दो घरों में, तीन घरों में, चार? एक दिन में सात घरों में जाना पड़ता था। चले सबको जवाब जो है ना मिल गया होगा मेरी सिस्टर से। देखो अभी जो है ना सिस्टर भी मेरे पास अभी बैठी है, माशाल्लाह से हमने ना अभी खूब गपशप कर रहे हैं। जो दूसरी सिस्टर है ना मुझे लगता है वो किसी काम कर रही है, अभी वो भी आ जाएंगे हमारे पास। छोटी सिस्टर जो है ना वो भी मेरे पास बैठ रही है अम्मा के पास, लेकिन वो मास्क नहीं डाला हुआ ना। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे लगता है करेलों का जूस पिया तो गला ज्यादा ही कुछ बढ़ता ही जा रहा है। नहीं यार तो गला वो सही साफ कर देगा, कड़वा होता है ना।